हेलो एवरीवन, DCEU की एंटी सुपर हीरो फिल्म द ब्लैक एडम दुनिया भर के सिनेमा हॉल्स में रिलीज हो गई। एक्टर ड्वेन जॉनसन एका द रॉक पहली बार किसी सुपर हीरो के रोल में दिखाए गए हैं। ब्लैक एडम ऐसे सुपर हीरो हैं जो हीरो नहीं विलन है, आप इसे सुपर विलन कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। द रॉक को एंटी हीरो के किरदार में देखकर दुनिया बावली हो गई है। बात करें फिल्म की कहानी की तो फिल्म की कहानी शुरू होती है कांदाक 1600 BC से, जहां आज की तरह कुछ अच्छे लोग हैं और कुछ बुरे लोग हैं। बुरे लोगों का मुखिया सरजात तेहतान है, जो एक क्राउन के ब्लैक मैजिक की मदद से कांदाक पर कब्जा करना चाहता है। ऐसे में वहां के लोगों को ही गुलाम बना लेता है और उनसे काम करवाता है। कांदाक नाम के शहर से वहां की एक कीमती धातु है, जिसके लालच में राजा कुछ लोगों को वो एटेरियन नाम का धातु ढूंढने को भेजता है। डेट एडम नाम का एक आदमी वहां पहुंच जाता है, लेकिन इसके बदले में उसके परिवार को मार दिया जाता है। जब डेट के लिए सब कुछ बुरा चल रहा होता है, ठीक वक्त उसे शक्तियां मिलती हैं। इन शक्तियों के टेड कांदाक का चैंपियन या मसीहा बन जाता है। हालांकि किस वजह से टेड को कैद किया गया था, यह कहानी खुलती बाद में है। टेड की कैद के 5000 साल बाद कांदाक को बाहरी लोगों ने घुसपैठ की थी। फिर एक दिन एक बच्चा उसका विरोध करता है और उसे मिलती है शजाम की ताकत। इसके बाद वो एहतान को मार देता है। फिल्म का पहला फेज यानी खत्म होता है और उसके बाद फिल्म का मजेदार हिस्सा शुरू होता है, जिसकी अच्छी झलक ट्रेलर में भी देखने को मिलती है। दुनिया आगे बढ़ चुकी है और एक बार फिर से कुछ लोग एहतान की तरह ही राज करना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें रोकने की जिम्मेदारी पर आती है ब्लैक एडम पर। सिर्फ ब्लैक एडम के साथ ही दूसरी शक्ति को रोकने के लिए जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका की एंट्री होती है। अब क्या ब्लैक एडम ऐसा कर पाता है और उसे इस सफर में उसे क्या कुछ देखने को मिलता है, इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म में सभी किरदार एक से बढ़कर एक और ड्वेन जॉनसन ने ब्लैक एडम के किरदार में जान डाली है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक काफी स्ट्रॉन्ग है, जो आपको फिल्म देखते हुए एक जोरदार एक्साइटमेंट देता है। फिल्म में ड्वेन के साथ साथ बाकी किरदारों ने भी अच्छा काम किया। फिल्म देखते हुए आपको कई बार एहसास होगा कि क्या ब्लैक एडम ही हीरो है, या फिर वो हीरो से हटकर है, या वो विलन है, क्योंकि हीरो की भाषा करीब करीब सभी के लिए अलग होती है। ड्वेन के अलावा जेम्स बॉन्ड बनकर दिल जीतने वाले पियर्स ब्रॉसनन को भी देखना काफी मजेदार होता है। फिल्म का सबसे कमजोर हिस्सा इसकी कहानी, जो काफी बेहतर हो सकती थी, लेकिन क्लाइमेक्स से पहले ही आप थोड़ा हुआ ठगा महसूस करते हैं। डीसी जो अभी तक शजेम में दिख रहा था, वो और ब्लैक एडम अलग नहीं है। दरअसल ब्लैक एडम ही शजेम है। हालांकि जो शजेम हम देखते आ रहे हैं उससे यह करीब 5000 साल पुरानी बात है। फिल्म का दूसरा कमजोर हिस्सा इसकी एडिटिंग टेबल पर मेहनत नहीं की गई और कई सीन्स को लेकर काफी लंबा खींचा गया है, जिससे कई बार आप बतौर दर्शक ऊब जाते हैं। कहानी और एडिटिंग के बाद फिल्म जहां खरी नहीं उतरती वो है इसका VFX। इस फिल्म से बेहतर VFX हम पहले देख चुके हैं, ऐसे में उस फिल्म को उम्मीद पर खरी नहीं उतरती है। फिल्म ब्लैक एडम में जो सब कुछ है वो आप एक सुपर हीरो फिल्म या डीसी यूनिवर्स की फिल्मों से उम्मीद कर सकते हैं। ड्वेन जॉनसन को ब्लैक एडम के किरदार में देखना फैंस के लिए विजुअल ट्रीट है। फिल्म के VFX या कहानी कुछ बेहद खास नहीं या हटकर भी नहीं है, लेकिन ड्वेन और डीसी के फैंस इसे जरूर दे सकते हैं। हालांकि फिल्म का क्लाइमेक्स काफी शानदार है, जहां हेनरी कैविल सुपरमैन के किरदार में ब्लैक एडम के सामने नजर आते हैं। चलिए तो रहा मेरा रिव्यू, अब आप बताइए आपने मूवी देखी कि नहीं। देखी तो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।